जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और राज्यवासी भी जानते हैं कि पिछले जनवरी दिसंबर के महीने से इस आंदोलन का आगाज हुआ था, और जिस समय इस आंदोलन का आगाज किया गया था तो उस समय किसी को ये अनुमान नहीं था कि आंदोलन जो धनबाद और बोकारो के छात्र एक छोटी सी इकाई के रूप में इसका आगाज कर रही है, एक राज्य स्तर तक का आंदोलन बनेगा और लोग एक उम्मीद की किरणों से इसे देखेंगे। तो ये आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, सबका समर्थन मिला, सहयोग मिला, और कहीं ना कहीं 22 सालों के झारखंड के इतिहास में जिस मूल उद्देश्य के साथ इस राज्य की स्थापना की गई थी उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वंचित थे, तभी जाकर एक छोटे से आंदोलन को इतना बृहद साकार और स्वरूप मिल पाया। ठीक उसी क्रम में आज भी अगर देखें तो झारखंड की जनता जब भी जितने भी गवर्नमेंट बनकर आए केवल और केवल उनके साथ केवल बाधा खिलाफी हुई। और हम लोग भी चाहते थे कि इस धनबाद बोकारो से आंदोलन का आगाज हुआ है, इस आंदोलन को जीत के बाद हम लोग फिर अपने कामों में वापस लौट जाएं, पढ़ने वाले पढ़ने चले जाएंगे, काम धंधा करने वाले काम धंधों में वापस चले जाएं। लेकिन राज्य की जनता ने काफ़ी उम्मीद से देखा और उस आंदोलन के बाद और भी भिन्न भिन्न आंदोलन होने लगे, जहाँ हमारी टीम को हमारे संगठन को लोगों ने उम्मीद की दृष्टि से देखना आगाज किया। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी यह पाया पिछले 9-10 महीने के आंदोलन में कि आज राज्य को वास्तव में एक नई विचारधारा की आवश्यकता है, एक रूपरेखा की आवश्यकता है, एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है, जो विभिन्न मुद्दों पर जहां झारखंड की जनमानस झारखंड की जनता शोषित हो रही है, प्रताड़ित हो रही है, वहां उनकी आवाज़ बन सके, उनके पीछे खड़ा होकर आंदोलन में साथ दे सके। तो निश्चय ही हम लोग के पास मौखिक रूप से संगठन था, जब से आंदोलन का आगाज हुआ है हम लोग सोशल मीडिया में हमारा संगठन है, लेकिन धरातल पर हम लोग का समिति संगठन नहीं था। इसी कारण आज हम लोग लगभग 5 महीने की लगातार कंटिन्यू बैठकों के बाद इस मुकाम और निर्णय पर हम लोग पहुंचे कि हमारा एक समिति होगा, वही समिति जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से जानी जाएगी, लेकिन उसे अब हम लोग जमीन पर पेन पेपर के साथ उतारने का कार्य करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा आंदोलन करना, हम लोग का आंदोलन से जन्म हुआ है, हम लोग आंदोलन के साथ रहेंगे। क्योंकि देखिए, और इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आज अगर हम लोग चतरा में आंदोलन की बात आई है तो धनबाद और बोकारो के तो लोग जागरूक हैं, लेकिन धनबाद और बोकारो से उन्हें चतरा ले जाया नहीं जा सकता है। तो हम संगठन हमारा रहेगा तभी हम चतरा के लोगों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, या देवघर में अगर मामला आएगा, रांची में मामला आएगा, तो वहां के लोगों के माध्यम से ही हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। तो इसलिए संगठन का विस्तार होना अति आवश्यक है। और उसी क्रम में आप जहां भी देख सकते हैं, अभी आपका बगल में घाटों कभी आप भी फुर्सत में जाके देखिए, लगभग 150-200 दिन से उमेश टिड़वार नामक एक शख्स बैठा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास संगठन होता तो निश्चय उनको हम सपोर्ट करते हैं। और इस तरह कई ऐसे मुद्दे हैं जहां झारखंड की जनता झारखंड के लोग लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी एक NHM से जुड़ी हुई बहन का मैसेज आया था कि किस प्रकार वहां राजस्थान के लोगों को मैंने मेडिकल विभाग में फॉर्म भरने दिया जा रहा है और उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति दी जा रही है, जबकि झारखंड के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द किया जाएगा कि अब आपका काम समाप्त हुआ। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं अभी जिन पर हमें लड़ना है, और निश्चय एक झारखंड को नया स्वरूप और नया साकार हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास एक शक्तिशाली संगठन होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये है, आपके पास संगठन है तभी आपके पास शक्ति है, और तभी सरकार को आप बैकफुट पर डाल सकते हैं। आज ये 9 महीने का आंदोलन ही था कि आज गवर्नमेंट 1932 की खतियान के जिक्र कर रही है, नहीं तो यह गवर्नमेंट मुकर रही थी 1932 का खतियान बात करने से। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या को हमने अभी मौखिक रूप से लोग हमारे साथ थे, अब लिखित रूप से हमारे साथ हो, धरातल पर हो, उसके लिए हम लोग संगठन का एक ढांचा देने का प्रयास करेंगे। और हमारा मकसद यही रहेगा आंदोलन के माध्यम से इस राज्य की काया को कल्प करना, ताकि जिस मकसद के साथ हमारे शहीदों ने प्राणों की आहुति दी थी, और आज जैसा कि हमारे कोयलांचल में 3 शहीदों की शहादत दिवस है, लीलू बारी, पटल बारी, हीरू बारी, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ऐसे अनगिनत शहादत हुए हैं तब जाके हमें अलग राज्य मिला है। तो उस हमारे इस राज्य का बेटा होने के नाते, इस राज्य का बेटा बेटी होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे वीरों ने जिस सपने को देखकर इस राज्य का निर्माण किया था, उस सपने को हम साकार करने के लिए उनके आगे चलकर हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो इसलिए आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि हम लोग भी चाहते थे कि जैसे ही भाषा आंदोलन समाप्त हो, हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कार्य हो उस पर हम लोग चले जाएंगे वापस, लेकिन राज्य की जनता ने जो उम्मीद देखा है, जो शोषित वंचित जनता ने जिन आंखों से हमारी ओर दृष्टि डाला है, इसीलिए हमें आज आभास हो रहा है कि हमें एक छोटा सा संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसे भविष्य में धीरे धीरे शक्तिशाली स्वरूप देते हुए राज्य की जनता के लिए हमें लड़ना है। क्योंकि अब जीवन का मकसद ही रहा आंदोलन करना, लोगों के हित में आवाज उठाना और उनके लिए लड़ना। इसीलिए हम लोग सांगठनिक ढांचा देने की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग नए मुद्दों के साथ लड़ेंगे। जो भी मुद्दे होंगे जिनमें हमें लगता है कि झारखंड के लोग ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, उन मुद्दों में हम लोग साथ लड़ेंगे। किस तरह का संगठन होगा, सामाजिक या राजनीतिक? नहीं, ये फिलहाल सामाजिक संगठन ही होगा, क्योंकि हम लोग राजनीतिक सामर्थ्य नहीं रख पाएंगे अभी। राजनीतिक संगठन बनाने के लिए आप उसके लिए
विशेष होता है, लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन ही रखेंगे और हम लोग तो चाहेंगे कि जो सरकार जो नीतियों की बात करके सत्ता में आई है उसी को घेरते हुए उन्हें बैकफुट पर लाकर नीतियां बनाने पर मजबूर करें, इसलिए हम लोग अपने शक्तिशाली सामाजिक संगठन की ओर हम लोग अग्रसर हैं। तो क्या झारखंड पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, निजीकरण हावी है झारखंड? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं निजीकरण भी हावी हो रहा है, पूंजीपतियों के चंद मुट्ठी पर लोगों के हाथों में झारखंड जा रहा है। इसलिए फिर से आवश्यकता है संगठनिक ढांचा बनाकर पहले कलम पेपर के साथ लड़ा जाए।